तो भैया आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी जगह खाली पड़ी हुई है। भाई वीआईपी पास वाला नियम है क्या? कौन सा वाला वीडियो? पहले रोज ऐसा हो रहा तो सात रोज क्या होगा? सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, फिर से लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए वही धमाकेदार वीडियो। तो जी हाँ दोस्तों, हम फिर से पहुंच गए हैं, शिव महापुराण कथा होने वाला है, आज से चालू होने वाला है उस जगह पर। आप देख सकते हैं पीछे की साइड कितनी ज्यादा भीड़ अभी से लगी हुई है। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 बजे और अभी से श्रद्धालुओं की इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, क्या ही बताऊँ। मैं पंडाल की तरफ आप लोग को लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कितनी ताबड़तोड़ भीड़ लगी हुई है और श्रद्धालुओं का कितना भीड़ का महासैलाब देखने को मिलेगा पहले दिन ही। तो चलिए आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, सीधा पंडाल की ओर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ एक ज़बरदस्त माहौल, देख के आप लोग का दिल एकदम मतलब मजा ही आ जाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा पंडाल की तरफ। बहुत गलत तरीका है ये, बहुत गलत तरीका। कहाँ से आए हो आप लोग? लोके पंडाल में ऐसा हंगामा हो रहा है। मैं किन पंडाल में गई, आराम से बैठे, आराम से आए, सभी भक्त बराबर। अच्छा, मतलब पहले दिन ही अस्त व्यस्त नजर आ रहे हैं। हाँ, पहले रोज ऐसा हो रहा तो सात रोज क्या होगा। बैठने की व्यवस्था इधर नहीं बन रही है क्या? पब्लिक को भगाया जा रहा है, वीआईपी और जनरल अलग है, जनरल बोगी वीआईपी डबल वीआईपी ऐसा टाइप का रखा गया है क्या? अच्छा, यहाँ वीआईपी वाले अलग बैठेंगे और लोकल वाले वो अलग होगा। तो गुरु बनाए, हम भी तो यही सुनने बाहर, हम तो शिव भक्त हैं, शिव इतना जानते हैं कि भोले बाबा के दरबार में आए हैं और सब भक्त भोले बाबा के हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, मगर इस पंडाल में यानी भाव रखा जा रहा है वीआईपी है। इधर बैठे उन लोग कौन से कैटेगरी के हैं? ये है हमारे सब जनरल है, ऐसी नॉर्मल ना, मतलब वीआईपी वगैरह तो कोई नहीं। उनका कहना है कि यहाँ जो गांव वाले हैं वो यहाँ बैठेंगे, आप लोगों को यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, आप लोग पीछे बैठो, वहाँ ऐसे नहीं बोला है, कोई कोई वैसी बोला है, वैसी बोला है, वैसी बोला है, जो धक्का मार मार के भगा रहा है, धक्का मार के हम लोग ऐसे नहीं देखे। बताओ ये भैया चाचा, इनको बंद करवाओ ना, ये लोग यहाँ पर वो वीडियो रिकॉर्ड। क्यों, कौन सा वाला वीडियो है भैया? ये यूट्यूब वाला है क्या? हाँ, तो मत चलाइए, आपसे निवेदन है, आपसे निवेदन है। नहीं नहीं नहीं, सही है, सही तो, लेकिन इन लोग बोल रहे हैं अभी, मतलब सही है ना? ठीक है ना, इसमें लाइव चलाइए ना, गुरु जी जब प्रवचन चलेगा लाइव चलाइए आप, अरे लाइव चलाना ना भाई आप, हाथ धर के धक्का मार के आप लोग बैठे आराम से, आप कोई धक्का नहीं देगा। भैया आए हैं वहाँ से बाहर से आए हैं, वीडियो लेडीज लोग का हाथ दर्द उठा रहे, कोई तरीका है आप बैठिए ना चुपचाप, लेडीज को बाहर फेंक रहे हैं, हाथ सुना ना भैया, बैठिए ना चुपचाप, बैठिए ना, व्यवहार हो रहा है वहाँ, चलो। तो भैया आप देख सकते हैं यहाँ पर शिव महापुराण कथा में पहले दिन ही हंगामा होना चालू हो गया है, यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और व्यवस्था अस्त व्यस्त पहले दिन ही होता जा रहा है। अब आगे की ओर आप देख सकते हैं और हमारे यहाँ बाउंसर भैया, और भैया सब बढ़िया, बढ़िया बढ़िया, चलो। तो यहाँ पर बाउंसर भैया भी एकदम जबरदस्त फॉर्म में है, तो अपन यहाँ पर पहले निकल जाते हैं। भाई वीआईपी पास वाला नियम है क्या? अब हमको तो पहले बताया गया था, हम पहले भी आ चुके हैं यहाँ, जी हाँ, तो अपने को बताया गया था कोई वीआईपी नहीं ना, कोई कुछ नहीं ना, कोई पास नहीं ना, कोई कुछ नहीं करके बताया गया। अभी क्या चल रहा है वैसे? उठाने का फिर नियम क्या है? मतलब पहले आप यहाँ आके बैठ गए हो लेकिन उठाए जा रहे हैं हम? हाँ, उठाया जा रहा है। हाँ, ये तो गलत है, फिर जहाँ बैठ गए बैठने देना चाहिए। यहाँ कोई नहीं है, सब सब अरे सब समान है भैया, है यहाँ सब जितना भी बैठे उसको क्यों उठा रहा है भैया, क्यों उठा रहे हैं? सबको सही है, आप बुलाए हैं, सब समान ही है, या तो पहले से लिख के टांग देना था ना, यहाँ कोई किसी को नहीं बैठना है,
तो भैया आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी जगह खाली पड़ी हुई है, और आप आगे की साइड उस साइड आप लोग को लेके चलूँ, उधर एक प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है। आज तक मैंने जहाँ तक भी देखा है कि शिव महापुराण कथा होता है ना, वहाँ प्रोजेक्टर लगा ही होता है। प्रोजेक्टर लगा इसलिए होता है क्योंकि हर आदमी जाके स्टेज के सामने शिव महापुराण कथा नहीं सुन सकता, इसलिए प्रोजेक्टर लगा होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी जगह खाली होने के बावजूद भी सभी भक्तगण स्टेज के सामने ही जाके बैठेंगे बोल रहे हैं, इस कारण यहाँ पर। लेकिन ये भी बात मैं ये भी मानता हूँ कि भैया आदमी जो श्रद्धालु वर्ग बैठे हैं उस जगह में और उसको उठाया जा रहा है, तो ये मैं इस चीज़ के लिए भी मतलब मानता हूँ कि ये गलत है करके। लेकिन इतनी सारी यहाँ पर जगह देखेंगे, चारों तरफ से यहाँ पर जगह खाली है, उधर भी पंडाल बनाया गया। आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया हूँ कि कितनी जगह यहाँ पर लगी हुई है, 20-22 एकड़ की खेत पर यहाँ पर बनाया गया पंडाल। तो आप सोच सकते कितनी जगह मतलब कितनी ज़्यादा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो श्रद्धालु आखिरकार जा रहे हैं स्टेज के सामने ही बैठे जा रहे हैं, तो इससे क्या है अर्थव्यवस्था जो है ना वो बिगड़ती जा रही थी, इसके कारण इस अर्थव्यवस्था को 7 दिन तक चलाने, इस शिव महापुराण कथा को, तो इसे व्यवस्थित रखने के लिए यहाँ के जो आयोजक हैं निर्णय लिए कि आगे से श्रद्धालु भक्तगण को बिठाया जा रहा है इस साइड। लेकिन ये भी बात बिल्कुल गलत है कि जो बैठ गए हैं उन लोग को हटाना सरासर नाइंसाफी है, बाकी जो भक्तगण आएंगे उनको इधर बिठाया जाए तो सही है। वीडियो में आज इतना ही, पहला दिन इतनी ज़्यादा अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी इस वीडियो में, तो वीडियो पर आप बने रहिए। थोड़ा बैक कैमरे से दिखा देता हूँ इस तरीके का स्टेज, आप देख सकते इधर है स्टेज जो कि लगा हुआ है। आप देख सकते हैं चारों तरफ स्टेज यहां पर बनाया गया है, इस तरीके से यहां पर चारों तरफ से मैदान यहां पर लगा हुआ है, उस साइड से भी मैदान है जिसके यहां बहुत सारी जगह की व्यवस्था यहां पर की गई है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आता है तो भाई वीडियो को इतना शेयर कर दें, इतना शेयर कर देना कि भाई सभी तक यह वीडियो पहुंच जाए, वो भी जानकारी प्राप्त कर लें। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।